नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर से जहां आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है किसानों की तरफ से। और ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन इसका मिला जुला असर फिलहाल यहां देखने को मिल रहा है। कई जगह पर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किसानों से ज्यादा कांग्रेस यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन में उतरती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हो रहा है और भारत बंद है जहां 4 घंटे के आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी यहां कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आपको बता दें कि किसानों के भारत के मद्देनजर भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रदेश में व्यापारी संगठनों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में है। और कांग्रेस, आपको बता दें कि किसानों से ज्यादा कांग्रेस यहां मैदान में नजर आ रही है। भारत बंद को लेकर लगातार अभी भी अपील की जा रही है। व्यापारी वर्ग ने, मध्य प्रदेश ने की गई है। प्रदेश में व्यापारी संगठनों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में आ गई है। और इसे देखते हुए जिला पुलिस के साथ विशेष सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। भानु जी, अगर मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो किस तरह का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है और किस तरह से आप इसको देखते हैं भारत बंद को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका कुछ खासा असर नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आप भारत बंद, किसानों के भारत बंद की को बहुत बड़े प्रभाव की उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इस तरफ किसानों का जो शहरों से कनेक्शन है, वैसा मध्य प्रदेश में नहीं है। और ना किसानों का इतना कोई बड़ा संगठन हमारे यहाँ या इतने नंबर में किसान है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसका नीचे का नेटवर्क, कार्यकर्ता संगठन लगभग खत्म हो चुका है। तो उसे कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो किसान आंदोलन मिल गया उसे, इसलिए कांग्रेस सक्रिय है। और कोई बात नहीं है, मिला जुला असर रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सर, सबसे ज्यादा प्रभाव जो तस्वीरें जैसी आ रही हैं वो विदिशा, मुरैना और भोपाल, पुराने भोपाल, इसमें देखने को मिल रहा है सर। हाँ जी हाँ, क्योंकि वो किसानों का नगरों से, कस्बों से वहाँ कनेक्शन है, वहाँ खेती बाड़ी बहुत है। इंदौर जैसे शहर में किसान का कोई असर ही नहीं होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। उज्जैन में कुछ नहीं दिखेगा, भोपाल में बहुत कुछ नहीं दिखेगा। सर, ये कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है बजाय किसानों के। देखने में आ रहा है किसानों की तादाद बहुत कम या तो कहीं है भी नहीं, वहां कांग्रेस ने इसको ज्यादा मुद्दा बना लिया है, क्योंकि ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। बल्कि देखिए, मैंने आपसे कहा था उसकी वजह है, कांग्रेस के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म अब बचा नहीं है जिसपे खड़े होकर वो भारत बंद करा सके। जी, आप उनको किसानों का एक देश मिल गया है, इसलिए वो इसका भुनाना चाहेंगे। ये राजनीति आ जाने से किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा, ये बात आप स्वीकार करिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ महेंद्र जी अगर बात की जाए, जिस तरह की सुबह से लगातार तस्वीर सामने आ रही है, इसमें किसान कम और कांग्रेस ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये तो दिख ही रहा है साफ, मध्य प्रदेश में बिल्कुल साफ स्थिति है कि यहाँ पर किसान से ज्यादा कांग्रेस को चिंता है इस बंद को सफल बनाने की। और ऐसी ही तस्वीरें हमने सुबह से देखी हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्वाभाविक भी है, क्योंकि गैर भाजपा राज्यों में इस आंदोलन का ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर दूसरी सरकारें हैं, गैर भाजपा सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, अन्य दलों की सरकारें हैं। वैसे भी आप देखें कि 13 राज्य सरकारों का कांग्रेस के कांग्रेस को समर्थन है, कांग्रेस को इस बात के लिए समर्थन, यानी कि इधर किसानों के समर्थन की बात हम ना करें, कांग्रेस का आपसी 13 राज्यों में ऐसा समर्थन है कि मिला जुला 13 लोगों ने मिले जुलकर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। ये एक ऐसी बात सामने आती है। तो जहां पर आप देखें कि भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर इस आंदोलन को सफल बनाने किसानों के साथ कांग्रेस और अन्य दल, अन्य सियासी दल मैदान में है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में बात करें हम, मध्य प्रदेश में आप देखें कि सुबह से ही
ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं, मंडियां खुली हुई हैं और किसान अपने रूटीन के काम में व्यस्त है, लेकिन कांग्रेस बंद को सफल बनाने में व्यस्त है, ये सामने तस्वीरें आई हैं। रितु जी, भानु जी, अगर यहाँ पर बात की जाए कि जिस तरह से भारत बंद से पहले यहाँ लगातार बैठकों का दौर जारी था और चर्चा भी हुई थी, और अब कल एक बार फिर यहाँ से बैठक होगी, भारत बंद से पहले की बैठकें और भारत बंद के बाद जो बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण आप देखते हैं? देखिए, कल की बैठक पे बंद का कोई असर दिखेगा इस बात की मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बंद कुछ इलाकों तक सीमित रहेगा, बहुत ताकत उसकी दिखाई देगी नहीं। कल की बातचीत तो किसानों के स्टैंड पे ही निर्भर करती है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह राजनीति ने इसको हाईजेक किया है आंदोलन को, किसान इस बारे में जरूर सोचेंगे कि हमारा मंच अगर नेता ले जाएंगे तो शायद आंदोलन के बारे में दोबारा विचार करेंगे। सर, किसानों ने तो साफ तौर पर मना ही कर दी ना कि हमारे मंच को कोई राजनीतिक दल शेयर नहीं करेगा। जी हाँ, आप कांग्रेस ने हाईजेक किया है तो इसका मतलब है कि वो विचार करेंगे कि कांग्रेस को कैसे अलग किया जाए। जी, लेकिन यहाँ कई राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं, तो क्या कुछ लगता है कि आगे जाकर किस तरह से ये तस्वीर क्लियर हो सकती है? वैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस है मोदी सरकार के लिए, मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस है तो 20-22 दल अगर साथ हैं, 30 दल साथ हैं तो छोटे छोटे हैं कुछ राजनीतिक दल, लेकिन हाँ, मोदी सरकार ने इसीलिए डिफेंस मोड में आ गई क्योंकि उसे लगा कि अगर ये क्राइसिस बढ़ा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या सर, मोदी सरकार समझौतावादी नीति अपनाएगी किसानों के लिए? मेरे ख्याल से कल वो थोड़ा और झुकेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह वो प्रस्ताव तैयार करने पे माथापच्ची कर रहे हैं तो उनको लगता है कि इसे निपटा देना ही अच्छा है बजाय आगे बढ़ाने के। बिल्कुल। चलिए भानु जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। लगातार यहाँ पर अलग अलग संवाददाताओं से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है, और ऐसे में 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किसानों के भारत बंद के मद्देनजर भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।